ये तो लेके बैठेगा मोदी जी को डिग्री का मामला 2024 में हारने का रीजन भी मेन रीजन यही होगा। फर्क इस बात का है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट में उन्होंने जो गलत है वो भरी थी, क्योंकि उसमें ये रूल है कि यदि गलत आपने स्टेटमेंट या एंट्री की गई है, आपने गलत दी है, तो धारा 340 के तहत सीआरपीसी में कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इन द एफिडेविट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, तो उस समय दिया है आपने, तो इसका मतलब समझिए कि आप झूठ बोल रहे हैं और उसकी सजा ये है कि आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उद्योगपति तो लूट कर खा गए सारे पैसे को, वो तो वहीं से भारत से लोन ले रहे हैं और भारत को खरीदने का काम कर रहे हैं। इतने बेशरम है कि एक ही गलत बात को सही साबित करने में पूरी जान लगा देते हैं, उस अपनी गलती को सही साबित करने में लगा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे कॉर्पोरेट करते रहता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चुनाव आ लोग ऊपर से मसाला खा गए, देश को लूट के सारे को बर्बाद कर दिया पूरा देश। इस समय मोदी जी की जो डिग्री है वो फेक है, इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, नकली है, फर्जी है, पढ़ा लिखा कहाँ? उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है, मैंने एक बार देखा था, अरे मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई है, मेरी तो बस शिक्षा वो गांव में ही 5वीं 8वीं तक की शिक्षा हो पाई है, उसके बाद मैं फिर हिमालय की कंदराओं में निकल गया था अपना योग करने के लिए और मेरी पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा हो नहीं पाई है। साथियों उन्होंने खुद मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो फिर डिग्री क्यों पूछी जा रही है? डिग्री फर्जी बनाई गई है और उन्हें साबित सही करने में पूरी बीजेपी और उनके जितने भी चमचे सब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये सही है, ये सही है, क्योंकि उनका आज तक ना कोई साथी पढ़ा लिखा मिला जो किसी ने स्टेटमेंट दिया हो कि मेरे साथ में बीए करी थी या मेरे साथ एमए, या तो यूनिवर्सिटी में अकेले स्टूडेंट यही थे उस समय उस सेशन में अकेले रहे होंगे, या फिर उस जमाने के टीचर भी सब मर गए होंगे, एक भी नहीं बचा या रिकॉर्ड ही खत्म हो गया, कुछ इस तरह का हो सकता है तो मान भी सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तक संजय सिंह दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे जितने भी नेता हैं सदन में यही पूछने का काम कर रहे हैं कि आप दिखा क्यों रहे हो, असली है तो ऐसे क्यों दिखाओगे, शाहजी ऐसे क्यों दिखाओगे, ऐसे करके दिखाओगे क्या कि देखो जी ये रही उनकी प्रधानमंत्री की। अरे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत थोड़ी है, एमए हुआ या बीए हुआ उसकी क्या जरूरत है भाई, प्रधानमंत्री बन गए अब तुमको सरकारी नौकरी लगा रहे उनकी कि भाई प्रधानमंत्री के बनने बाद में वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, क्या फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क क्या पड़ रहा है, यदि नहीं पढ़े लिखे तो क्यों दिखा रहे हो तुम? फर्क इस बात का है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट में उन्होंने जो गलत है वो भरी थी, क्योंकि उसमें ये रूल है कि यदि गलत आपने स्टेटमेंट या एंट्री की गई है, आपने गलत दी है, तो धारा 340 के तहत सीआरपीसी में कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इन द एफिडेविट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, तो उस समय दिया है आपने, तो इसका मतलब समझिए कि आप झूठ बोल रहे हैं और उसकी सजा ये है कि आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कभी आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी और यदि सोच रहे हो कि कहीं मेरी ना हो जा, तो इसलिए ये आप चाल चली जा रही है कि इसी गलत या नकली डिग्री को सही साबित करके दिखाएंगे हम। इसलिए विपक्ष मुद्दा बना रहा डिग्री को। बिल्कुल, आप बताइए जब जेपीसी की मांग कर रहे थे कि भाई आप एक बात बताइए, पूरे बीजेपी एक ही आदमी को बचाने में क्यों लग रहे हैं? अब बताइए, अब तो ये मोदियों को भी बचाने में लग रहे हैं, जितने मोदी भागे थे पैसा को लेकर, तो उनकी सदस्यता जब तो खत्म कर पाई। उधर वो जुडिशरी का जो CGM था उसे इतनी नहीं पता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा दे रहा, वो भी किसको? राहुल गांधी को। पूरा ठोक का 2 साल की सजा दी है, बताइए। उन्हें पता कि आगे से पलट जाएगा सब कुछ नहीं होने का। तो इस तरह की जो देश में जो होना चाहिए था वो तो वास्तव में हो नहीं रहा। देश में क्या हो रहा, देश में इन्होंने देखो क्या करा, आप कमाल की बात देखो कि एक दिन में 2 दिन में इन्होंने रिजर्वेशन पास कर दिया कि 10% जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलेगा पंडितों को। आप बताइए 350 IAS अंदर खाने इन्होंने बिना टेस्ट पास करे भर दिया, ओम बिरला की जो बेटी है वो इन्होंने सेक्रेटरी IAS बना दी। क्या देश में क्या ये सही हो रहा है, एज पर लॉ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, सारा गलत हो रहा है। जितने भी जज हैं वो इनके फेवर में जजमेंट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद इनके फेवर में जजमेंट दे रहा। आप बताइए, इनके फेवर में जजमेंट इसलिए दे रहे हैं कि वो आते ही राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं, किसी को राज्यपाल बना देते हैं, किसी को अच्छा पद दे देते हैं, तो आप बताइए क्यों नहीं करेंगे भाई? तो आप नहीं चाहते अच्छे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग राज्यसभा में जाए? ना बिल्कुल, जहाँ पार्शलिटी तो नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, पार्शलिटी तो नहीं होनी चाहिए, पार्शलिटी है आप एक ही यानी कि ग्रुप के लोगों को, जनरल लोगों को आप ऊपर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और ये न्यायपालिका तीनों एक हो रही हो और तीनों होकर देश का और गरीबों का पैसा बर्बाद कर रही हो, उनकी ज़िंदगी से आप खेलने का काम कर रहे हैं, उनके बेटे बच्चों, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 2-2.5 हज़ार पद दिल्ली के अंदर SC ST का बैकलॉग पड़ा हुआ है, क्यों नहीं भर रहे भाई? अरविंद केजरीवाल ने फाइल भेजी है उसके लिए राज्यपाल के लिए, उसे पास नहीं कर रहा, क्योंकि पता है कि ये जो SC ST को नौकरी मिल जाएगी 2.5 हज़ार लोगों को, तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये ऊपर आ जाएंगे। डिग्री का मामला अभी मोदी जी का पीछा छोड़ देगा।
नहीं, ये तो लेके बैठेगा मोदी जी को डिग्री का मामला। 2024 में हारने का रीजन भी मेन रीजन यही होगा। बताइए तो जरूरी थोड़ा ये प्रधानमंत्री बनने तो फिर क्यों दिखा रहे हो, क्यों भरा था उसमें एफिडेविट में, एफिडेविट में क्यों भर दिया कि मैं एमए पास हूं, डिग्री नकली है। कई लोग कह रहे कि कोई भी आए प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए, सबको यही काम बचा प्रधानमंत्री को। अच्छा ये काम भी बचा हुआ कि बैकलॉग जो अंदर खाने से 350 आईएएस बना दिए, ये काम भी बचा हुआ, ये काम भी बचा हुआ कि लोन दे और विदेश को भगा दो जितने मोदी थे, यही काम बचा है कि जो है 350 आईएएस बना दिए, यही काम बचा है कि आप अडानी को इतना पैसा एक आदमी को इतने नंबर पर ला दिए, सेकंड रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया उसे, यही काम बचा। मेन काम कहाँ गए, जो वादे करे थे वो कहाँ चले गए, वादे कहाँ चले गए, लोग वादे 2024 में वादे पूछ रहे हैं। तो कोई अडानी भाग पड़ेगा देश छोड़ के, जो अडानी का पीछा पकड़ लिया आप लोग, अडानी का बाप का पैसा हो, कहीं बीजेपी वाले का पैसा हो, किसका पैसा, जनता का पैसा, बैंकों से ले, LIC से ले, सबसे लूट का वहां लगा दिया, क्यों लगा दिया भाई, क्यों लगा दिया उस पैसे को बताओ ना। और महंगाई बढ़ा रहे हो इतनी दादा से ज्यादा, देश के लिए काम कर रहे हैं ना अडानी, देश मजबूत होगा, अगर वो मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत कहाँ हो रहा है, वही मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है, RSS मजबूत हो रही है, उनका चमचा मजबूत हो रहा है, उनसे जुड़े लोग मजबूत हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं, और तो सब बर्बाद हो रहा है। उद्योगपतियों का कोई योगदान नहीं देते, उद्योगपति तो लूट का खा के सारे पैसे को, वो तो वहीं से भारत से लोन ले रहे हैं, भारत को खरीदने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। आप बताइए स्कूलों में क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है फीस बढ़ा रहे हैं कि आप फीस बढ़ा सकते हो जी, ये मैंडेटरी कर दिया, किताब भी वहीं से लेनी पड़ेगी। आप बताइए सब कुछ इतना जो देश में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, पूरी हाहाकार बीत रही है। जो ऐसा देश चलना चाहिए था, जो 70 साल में देश चला, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ देश में इस समय। बीजेपी ने जो वादे किए थे एक वादा भी पूरा नहीं किया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, सिलेंडर जब 400 का था जब बीजेपी आई थी, अब 1200 का सिलेंडर हो गया है। आप बताइए रोजगार कितने, 2 करोड़ देंगे हर साल, 2 करोड़ कम कर रहे हैं रोजगार, आप बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जो सिस्टम है सब लोग जानते हैं किस तरह से सिस्टम चलना चाहिए, यदि इन पर सरकार में ये चलाने में नाकामयाब रहे, असफल रहे हैं, या इन पर सरकार चलानी नहीं आती है, इनकी नॉलेज नहीं है, ये इतने वैसे दुनिया में डंका बज रहा है, डंका खामोखा बज रहा है, मेरी बात सुनो, इतने बेशरम आदमी है ये बीजेपी वाले, इतने महाबेशरम बता रहा हूं मैं, इतने बेशरम है कि एक ही गलत बात को सही साबित करने में पूरी जान लगा देते हैं, उस अपनी गलती को सही साबित करने में लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे कॉर्पोरेट करता रहता है। हां बिल्कुल सही कह रहे हो, चुनाव वाले ऊपर से माशाल्लाह एक रात में चुनाव आयुक्त को आज VRS लिया, सुबह को शपथ दिला रहे हैं जी, देखो घोटाला है बहुत बड़ा, पूरी दाल ही दाल का लिया, खा गए देश को, लूट के सारे को बर्बाद कर दिया पूरा देश इस समय, किसी को यहाँ जो ना देश में 12 लाख लोग तो जितने मिलीनियर थे वो देश छोड़कर चले गए। मोदी जी कह रहे हैं सारे चोर चोर इकट्ठे हो गए, सब चोर चोर इकट्ठे ना हो रहे, सारे ईमानदार लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस समय, समझ रहे हो ना, वो तो आटे में नमक ही खाते थे, तुमने तो पूरा नमक ही गायब कर दिया, मतलब आटा ही गायब कर दिया। मेरी सुपारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुपारी दे रहे हैं। जब अच्छा एक बात बताओ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब तो नेता भी मर जाए करे कि रामनवमी वहां मनाएंगे जहां मुसलमान ज्यादा हो, अरे दंगे तो तुम फैला रहे हो भाई, जब तुम जहां मस्जिद ही मस्जिद है और जहां मोमडन ही मोमडन है वहां तुम 100-200 आदमी राम के नाम पे वहां अपनी रामनवमी मना रहे हो, तो दंगा ना होगा क्या, बताइए आप क्यों दंगा होगा, या ये समझो जहां 90% हिंदू है और 10% मोमडन है वहां दंगे वो निकालो तो क्या दंगा ना करेंगे, भैया अपनी अपनी जगह में जगह निश्चित करो कि वहां से वहां तक ये निकलेगा और वहां से वहां तक ये होगा। रास्ते किसी के हैं क्या, किसी की बकौती होगी क्या रास्ते, सिस्टम को बनाए रखने के लिए विदेशों में भी एक जगह निश्चित की जाती है कि आप यहाँ कोई भी त्योहार मनाएंगे कोई भी कस्टम को वहां मनाया जाएगा, यहाँ तो कोई सिस्टम ही ना, पत्थर कहां से आते हैं, यहाँ तो कोई सिस्टम ही ना, जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर कौन मारता है, पत्थर कहां से आते हैं, पत्थर तो पहले से प्लानिंग होती है ना कि कौन पत्थर मारेगा, कौन बचाव करेगा, कौन डंडा बजाएगा, कौन क्या करेगा, किस जल्लूस को किस माहौल में चेंज करना है, ये पहले प्लानिंग होती है सबकी, राजनेताओं की। लड़ाने का काम किसका है, हिंदू मुस्लिम करने का काम जो है, आप देखिए 2024 का जो माहौल बनाया जा रहा है सरकार का, हिंदू मुस्लिम पे तो करा जा रहा है और तो कुछ है ना, वो काम पे वोट मांग रहे हैं अपने, हाँ काम तो बहुत होगी, इन्होंने 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोल दी और 10 करोड़ रोजगार दे दिए इन्होंने, और इन्होंने स्वास्थ्य इतना बढ़िया कर दिया कि एक भी नंबर आज गया, इतना बीजेपी वाले ने इतना सिलेंडर पहुंचाया था, और खाना तो इतना हर के अकाउंट में 1,00,000 रुपए महीना भेज रहे हैं, सबके अकाउंट में सारे वादे पूरे कर दिए इन्होंने, जो कुछ कर सरकार से, आप लोग सरकार से ये चाहें कि अपना भैया हाथ धो, तुम्हारे बस की ना देश चलाना, अपने रिजाइन दो, कहानी खत्म करो, कुछ और को आने दो, जो अच्छे अच्छे लड़के हैं, हम जैसे लड़कों को भेजो सरकार में, हम बता रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को भेजो जो वेल क्वालिफाइड है, वो सरकार चलाना जानते हैं, हम बताएंगे। अरे मोदी जी पढ़े लिखे MBA है, समझ रहे MBA जैसे ही हमें पता है, हाँ तो MA तो MA ही है, केवल अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि भाई किसी डिग्री को सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आप बताइए
क्यों आप दिखा रहे हो? जब आप मांगते हो तो आप एक तरफ तो कहते हो कि भाई मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं गांव के परिवेश में, मैंने खुद वीडियो पढ़ी है। एक तरफ तुम्हारे शाहजी फिर आपके MBA की डिग्री दिखा रहे हैं क्योंकि आपने उसमें भर दिया था उसमें, और आप फिर शादीशुदा भी दिखा रहे हो कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी भी है, कि आपने डाइवोर्स भी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जिन बातों पर इन चीज़ों से, देखो डिग्री दिखाने से, शादी दिखाने से, ये करने से, वो करने, इनसे कोई देश का डेवलप तो होना नहीं है। रामनवमी निकालने से देश का डेवलप नहीं होगा, हनुमान जयंती मनाने से देश का डेवलप, जो असली काम है आप रोजगार पर बात कीजिए, आप स्वास्थ्य पर बात कीजिए, आप कानून पर बात कीजिए। कानून का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए कि लोगों को ये न्याय की बात है? एक वहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा बैठा, वो बाबा क्या कर रहा है कि सबके घर ने तोड़ रहा जो भी, अरे भाई कौन से कानून के तहत तोड़ रहे हो? कानून है ना है, बिल्डोजर चला रहे हो आंख बंद करके, अतिक्रमण करोगे तो बिल्डोजर नहीं चलेगा, या तो कानून है कोई ना कोई, बातचीत है, रोकने को पुलिस है ना, के साथ ही तोड़ दोगे, अतिक्रमण है भी ना है, डिसाइड तो कोर्ट करेगी। तीन तीन साल से नोटिस पड़े हैं आपके मकान पर, आप हटते नहीं, अतिक्रमण करके पड़े। अब मेरी बात सुनो, जो हकीकत में बात है, ये डंका बजा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। भैया कहाँ अच्छी है? एक आध रिजल्ट तो बता दो। हाँ इतनी तो अच्छी है कि आप एक एक आदमी 10-10 बार विधायक बन गया, 10-10 बार MP बन गया तो 10 पेंशन ले रहा, ये क्या कानून है भाई? आप बताइए, राज्य हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये कानून बना है कि एक ही आदमी यदि 10 बार भी वो बन जाएगा तो एक, बस केवल एक पे एक पेंशन मिलेगी उसे, ये तो 10-10 पेंशन ले रहे हैं। आप बताइए, तो आप बताइए देश का इतना पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, वो ये वेस्ट नहीं हो रहा क्या? बताइए, संसद इन्होंने नहीं चलने दी।